नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में। तो बिहार की तरफ से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो आप इसके लिए कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि ये है इसका नोटिफिकेशन, यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, पोस्ट का नाम यहाँ देख सकते हैं, तो विभाग का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनाटॉमी के लिए है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है एनाटॉमी के लिए 49 रखा गया है। निश्चेतना के लिए जो है 99 वैकेंसीज है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 48 वैकेंसीज है। दंत रोग के लिए 23 वैकेंसीज है, तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेत्र रोग के लिए 47 है, और जितना भी वैकेंसीज यहाँ है नेत्र रोग के लिए, तो उसको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज में वैकेंसी इसको बांट दिया गया है। अनारक्षित के लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बांटा गया है। यहाँ आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ और भी वैकेंसीज है, जैसे कि हड्डी रोग, स्त्री रोग एवं प्रसव, मनोरोग, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, PSA। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहाँ नीचे के देख सकते हैं 1339 वैकेंसीज है, और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता, तो क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया विभाग के नाम के हिसाब से। एनाटॉमी के लिए जो है आपको MD MS या फिर DNB का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए एनाटॉमी में। निश्चेतना के लिए MD या फिर MS या फिर DNB पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए एनेस्थीसिया में। बायोकेमिस्ट्री के लिए MD या फिर DNB का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। दंत रोग के लिए MDS का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। नेत्र रोग के लिए MD MS या फिर DNB का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए नेत्र विज्ञान से। तो यहाँ पे जो जितने भी वैकेंसीज है सभी के लिए, मतलब अधिकतर सभी के लिए MD DNB का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करें उसी ट्रेड में। वेतनमान आपको पेमेंट कितना मिलेगा वो बताया गया, तो 15,600 से लेकर 39,100 तक मिलेगा। इसके साथ ही आपका ग्रेड पे मिलेगा 6600 का। उम्र सीमा, यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा बताया गया अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 45 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पे 48 साल तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अनारक्षित महिला के लिए 48 साल रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 50 वर्ष तथा बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यकर्ता चिकित्सा के लिए उम्र जो है 50 वर्ष तक के लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे शुल्क बताया गया फॉर्म का दाम कितना लगेगा, तो बायोमेट्रिक फ़ी जो है आपका यहाँ पे 200 रुपये लगेगा। सामान्य अभ्यर्थी के लिए जो है 100 रुपये लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 25 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो 40% या उससे अधिक है, तो उन लोगों को 25 रुपये लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। यहाँ जो है आपका डेट बताया गया, तो ऑनलाइन आवेदन का डेट जो है वो आपका 25 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है 26 जुलाई तक रहेगा। और यहाँ जो है आपका सिलेक्शन जो होगा, यहाँ रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए, तो जल्द से जल्द आके ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।